पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इस रक्षाबंधन पर बहनों ने अपने भाई के साथ पेड़ों को भी अपना भाई मानते हुए उन्हें रक्षा सूत्र बांधा है और कोविड के दौरान होने वाली ऑक्सीजन की कमी से रक्षा करने का भी साथ मांगा है। साथ ही बहनों ने भी इस बार अपने भाइयों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर मुरादाबाद की छात्राओं ने पेड़ों को राखी बांधते हुए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। छात्राओं ने बताया कि इस त्योहार पर हमने पेड़ों को राखी बांधी है ताकि समाज में पर्यावरण को लेकर एक अच्छा संदेश जाए। अगर हम पेड़ों को सुरक्षित रखते हैं तो उससे हमें कई लाभ मिलेंगे। इन सभी ने पेड़ों को राखी बांधी और उन्हें बचाने का संदेश दिया। उनका कहना था कि पेड़ हमारी रक्षा करते हैं और आज हमने उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया है। इस दौरान सभी के चेहरों पर एक अलग सी मुस्कान थी और पेड़ों को राखी बांधकर सभी ने एक दूसरे को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। आज हमने वृक्ष के ऊपर राखी बांधी है, तिलक किया है। हमने संकल्प लिया है कि हम इस साल वृक्षों को बचाएंगे, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग वृक्ष को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। अगर हम वृक्ष को सुरक्षित रखेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो हमारा यही संकल्प है कि हम वृक्ष बचाएं, वृक्ष को कटने से रोकें, इसलिए हमने आज वृक्षों को राखी बांधी है, रक्षाबंधन मनाया है। हमने कोरोना काल में देखा था कि ऑक्सीजन की कितनी नीड थी, ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मरे। हम चाहते हैं कि आगे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी ना रहे, जिसके जो हमें सिर्फ वृक्षों से मिलती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वृक्षों को बचाया जाए। वृक्षों से ही हमारा जीवन है। भाई को राखी बांधते हैं कि हमारा भाई हमारी रक्षा करेगा। इस बार पेड़ों ने हमारी रक्षा की है, क्योंकि हमें कोरोना काल में ऑक्सीजन की नीड थी जो सिर्फ हमें पेड़ों से मिली है, इसीलिए हमने आज वृक्षों को राखी बांधी है, क्योंकि इन्हें ये हैं तभी हमारा जीवन है। इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, इसीलिए हम इनकी रक्षा करने के लिए यहाँ उपलब्ध सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।